हेलो गाइस, ये देखिए पूनम जी, अभी अकेले जाएंगे। यहाँ पे नया रोड है, ठीक है, और यहाँ पे ये अकेले जा रहे हैं अभी जी। आप तैयारी कीजिए जाने की, आज इनका आखिरी दिन है। तो ये देखिए जा रहे हैं अभी ये गाड़ी लेके स्लोली स्लोली, क्योंकि नया रोड है यहाँ पे। यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। ये देखिए आप, कर लेंगे ये बहुत अच्छे तरीके से, गाड़ी चला लेंगे। बस वो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है रोड पे। अभी थोड़ा जैसे नए नए हैं ये, तो दिक्कत तो होगी थोड़ा सा। जब रेगुलर चलेंगे रोड पे तब सही आ जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अंश ब्लॉग एंड शॉर्ट वीडियो चैनल में। तो आज हम फिर से यहाँ मौजूद हैं विद पूनम जी, और पूनम जी आगे गाड़ी लेके जा चुकी हैं, और मुझे अभी पैदल जाना है उनके पास तक, जहाँ पे उन्होंने गाड़ी को पार्किंग में लगाना है। सो, आज इनका आखिरी दिन है ड्राइविंग का, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे इनको सिखाते हुए। काफ़ी कुछ नया था, तो अभी देखते हैं ये उन्होंने पार्किंग में गाड़ी कैसे लगाई है। वहाँ पे वो चीज़ देखना ज़रूरी है कि क्या सीखा इन्होंने पार्किंग में, किस टाइप से लगानी है। इवन बैक वगैरह सब कुछ आ चुका है इनको, अच्छे से कर लेते हैं ये, और चढ़ाई में भी आराम से गाड़ी उठा लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है इनको। अब बस यही है, अकेले चलना पड़ेगा इनको, उसके बाद ही इनको आएगी अच्छे से गाड़ी, क्योंकि जब तक अकेले नहीं चलोगे तब तक नहीं होता कुछ भी। अकेले चलना ज़रूरी है और रोज़ चलना ज़रूरी है। तो अभी दिखाते हैं आपको भी, थोड़ा सा आगे हैं वो पार्किंग में, काफ़ी आगे जाके लगाई है गाड़ी उन्होंने। मुझे तो दिख गई कि गाड़ी लगा दी उन्होंने अच्छे से। अभी आपको दिखाते हैं वहाँ पहुँच के, ठीक है? तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पे पूनम भाभी जी हमारी जो है वो गाड़ी पार्किंग में लगा चुकी है, देखते हैं कितना सही लगाया है इन्होंने। ये देखिए, हाँ अच्छा लगाया है। ये देखिए यहाँ पर रह गया रोड साइड में इतना, और अच्छे से इन्होंने पार्किंग में लगा दी यहाँ पे गाड़ी। मतलब लग रहा है कि थोड़ा सीखा है इन्होंने कुछ। अभी जानते हैं इनके सुविचार कि क्या क्या लगा आपको अकेले आते हुए, कैसा महसूस हुआ? हाँ अच्छे से बताइए ज़रा। कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस आया, हाँ वो तो पहले ही आप में बड़ा भारी है। अच्छा लगा आपको अकेले चल के, ठीक है? तो अभी आप यहाँ पे गाड़ी मोड़ोगे, ठीक है? और अच्छी बात ये है कि मैंने आपको कुछ नहीं बताना अब कि आप ये करो आप वो करो, ठीक है? मैंने कुछ नहीं बताना है आपको, आप खुद गाड़ी मोड़ोगे और आगे आगे वाले मोड़ पे जाके वहाँ पे पार्किंग पे लगाओगे, ठीक है? ओके, तो देखते हैं गाड़ी कैसे मोड़ते हैं ये। तो देखिए गाइज, अभी पूनम जी गाड़ी मोड़ने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे करते हैं ये, बिकॉज अभी मैं इनसे काफ़ी दूर। वेरी गुड, क्या बात है, बढ़िया तरीके से ले गए पीछे, वाह गर्दन भी निकाल ली बाहर। वेरी नाइस, देखा आपने कितने बढ़िया तरीके से बैग लिया इन्होंने। अरे ऐसे बोल बोल के ना थक जाते थे हम, भाई यार ऐसा करो वैसा करो, करना ही नहीं होता था इन्होंने वैसे। अब जब अकेले करना पड़ रहा है ना तो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है श्रीवास्तव कि ये अब चला लेंगे गाड़ी। ये देखिए अच्छे से मोड़ लिया इन्होंने,
और स्टेयरिंग भी सीधा कर लिया और ट्रैक पे अपने आ चुके हैं। वेरी नाइस, देख रहे हैं आप कि 15 दिनों में जो इन्होंने किया है वो नज़र आ रहा है आप लोगों को। हाँ, ये देखिए अब वहाँ पे पार्किंग में लगा रहे हैं। ये पार्किंग में लगाने का तरीका देखते हैं इनका। वाओ, फैंटास्टिक तरीके से इन्होंने पार्किंग में लगाई है गाड़ी, भाई मज़ा आ गया देख के। अभी गाड़ी बंद कर दी है इन्होंने, ऐसे मैंने तो बहुत आगे बोला था इनको पार्किंग में लगाने के लिए, बट चलो कोई बात नहीं, लग गया पता मुझे कि कर लेंगे ये, बहुत बढ़िया तरीके से चला लेंगे गाड़ी जब भी ये गाड़ी लेंगे। सो गाइस, भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अब इनके मुंह पे ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी पड़ेगी। सो देखते हैं जी। हाँ जी, कैसा रहा? मेरा तो ठीक रहा, आप बताओ कैसी मोड़ी? मोड़ी तो बहुत बढ़िया। आपने कहाँ कमी रही? कमी वहाँ पे रही जहाँ पे कमी भी नहीं बोल सकते इसको, हो जाता है कई बार कि जैसे आपने बैक लेनी थी गाड़ी, एक बार थोड़ी बंदी सी और लेनी थी ना। नहीं, आप एक्सेलेटर में प्रॉब्लम आ गई थी आपके थोड़ा, ठीक है, क्योंकि आप उतराई में थे खड़े हुए, उतराई में थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ती है, मतलब जब आपने बैक होना है उतराई में, ठीक है, तो आपको थोड़ा स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत लगी। ओवरऑल सारा ठीक था, मतलब लग रहा है कि नहीं चला लोगे आप गाड़ी, ठीक है जी। हाँ जी। सो गाइस, एक बार फिर से ये यहाँ से स्टार्ट होने जा रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, वाह क्या बात है, वेरी गुड। मोड़ पे हॉर्न भी, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा साइड में ले ली गाड़ी। अच्छा हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मेरे 15 दिन पूरे हो गए हैं गाड़ी सीखते हुए, और अब मैं आगे गाड़ी लेने का मेरा इरादा है, और मैं आप सभी से स्पेशली बोलना चाहूँगी कि मेरे लिए आप प्रे करें कि मैं गाड़ी अच्छे से ही चलाऊँ हमेशा, कोई बिना नुकसान किए हुए और है ना, क्योंकि अच्छे से सिखाते हैं, हर चीज़ को क्लियर करते हैं, जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हो जैसे हमारी, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करवाते हैं, अब खुद भी मतलब गलतियों को ढूंढ ढूंढ के उनको ठीक करवाते हैं। फिर आप कभी तो गलती नहीं करोगे रोड पे जब आप अकेले भी गाड़ी चलाओगे, क्योंकि आज मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं गाड़ी चला लूँगी अकेले भी। आज मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, ऐसे वैसे नहीं कर रही हूँ मैं। और अच्छा लगा मेरे को, मैं डेली आ रही थी, मैं आपको मिस भी करूँगी वैसे। थैंक यू। नहीं वैसे तो मिलेंगे हम, पर ऐसा ये रोज का मिलना था ना। और बस यही बोलूंगी सभी को कि आप, आपकी बेस्ट विशेस चाहिए मुझे। और बिल्कुल, बिल्कुल। मैं क्योंकि मैं महिलाओं को, उनको सेल्फ डिपेंड बनाना चाहती हूँ, तो पहले मैं खुद सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने गाड़ी भी इसीलिए सीखी कि मैं खुद हर चीज़ में आगे हूँ, और वही चीज़ मैं लेडीजों को सिखाऊँ कि ऐसा नहीं है गाड़ी ही सीखना है, और भी मैं लेडीजों को रोज़गार भी जो खुद का रोज़गार बना सके, सेल्फ डिपेंड बन सके, कि खुद की इनकम क्रिएट हो कैसे, उसके लिए भी मैं काम करती हूँ। तो मेरे को आप लोगों की बेस्ट विशेस की आज ज़रूरत है। तो सुन लिया आपने विचार हमारे पूनम भाभी जी के, तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अच्छे से गाड़ी सीख ली है, अब कॉन्फिडेंस आ चुका है इनके अंदर कि भी हाँ जी मैं गाड़ी चला लूँगी रोड पे। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए हर एक को,
और हमारी यही दुआ है कि आप जो है जब भी रोड पे चले, जब आप आपकी गाड़ी आ जाएगी तो आप अच्छे से गाड़ी चलाओ बिना किसी को ठोके, ठीक है, बिना किसी लॉस के जो आप गाड़ी चलाते रहो आराम से, बी सेफ, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं रखनी है माइंड में ड्राइव करते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ड्राइविंग करते टाइम, ठीक है। आप एक माँ भी हो, बहू भी हो और एक बिजनेस वूमेन भी हो, ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर, तो एक और आ गई अब, ठीक है। एज अ ड्राइवर आपको चलना है रोड पे, तो बहुत सोच समझ के चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी कभी भी कि भाई अब मुझे निकलना है, निकलना लेट होगी, वो जो मर्जी होता रहे, ठीक है, लेकिन चलना आराम से है। दिक्कत आए रोक लो, समझ लो, उसके बाद चलो। ओके जी, ओके, बाकी हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है, पूनम जी के साथ ये लास्ट वीडियो है हमारी, तो इसके लिए थैंक यू सो मच कि आप सबने बहुत प्यार दिया हमारी वीडियो जो है वो जैसे आपके कंप्लीट हुए, तो ये आखिरी वीडियो है, तो आप सब जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप वीडियो को, जिससे पूनम जी को और भी ज़्यादा हौसला मिलता है कि नहीं यार लोग देख रहे हैं मुझे, ठीक है, मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। सो कमेंट करना ज़रूर याद रखें आप लोग। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।